हेलो फ्रेंड्स, बागवानी करने और बागवानी का शौक रखने वाले मेरे सारे दोस्तों को मेरा बहुत नमस्कार। तो आज आपकी होस्ट और दोस्त आपके लिए एक और इंटरेस्टिंग वीडियो लेकर आई है, वेजिटेबल्स ग्रो करने के लिए कि कैसे हम उन्हें ग्रो बैग में लगा सकते हैं। और इसमें आज मैं आपसे शेयर करने वाली हूँ कि भिंडी यानी कि ओकरा को हम कैसे अपने घरों में ग्रो बैग में भी लगा सकते हैं। अगर आपके पास टेरेस गार्डन है यानी कि छत है जहाँ पे खाली स्पेस है, या फिर आपके पास कोई बालकनी है जिसमें आपके पास सफिशियंट धूप आती है, तो अगर आपके पास लैंड एरिया नहीं है फिर भी आप बहुत आराम से इसे अपने ग्रो बैग में भी लगा सकते हैं और अपनी खुद की फ्रेश वेजिटेबल्स पा सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करेंगे। और सबसे पहले, अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं और आप पहली बार मेरा वीडियो देख रहे हैं, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, इसे लाइक कीजिए और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करिएगा, जिससे आगे आने वाले ढेर सारे वीडियो के अपडेट्स आप लोगों को मिलते रहें। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो को शुरू करते हैं। भिंडी यानी कि ओकरा लगाने के लिए या फिर कोई भी वेजिटेबल्स आप लगा रहे हो, तो सबसे पहले इम्पॉर्टेंट है सीड का सिलेक्शन। तो ये सीड्स देखिए, मैंने शॉप से लिए हुए हैं, अच्छे हेल्दी सीड्स लें। और ये ट्रीटेड सीड्स होते हैं जिनसे फंगल अटैक वगैरह नहीं होता आपके सीड्स पे। और ये देखिए फ्रेंड्स, मैंने ये ग्रो बैग लिया है जो मेरे पास 20x20 का ग्रो बैग है। आप इससे छोटा ग्रो बैग भी ले सकते हैं। मेरे पास ये बड़ा ग्रो बैग था जिसमें मैंने टमाटर के पौधे लगाए थे इससे पहले। टमाटर के पौधे आप ग्रो बैग में कैसे और कितने लगाने हैं, अगर आप इसका भी वीडियो देखना चाहें तो इसका लिंक मैंने ऊपर शेयर कर दिया है, आप वहाँ जाकर देख सकते हैं। तो टमाटर के पौधों को निकालने के बाद मैंने इन सॉइल को पूरा निकाल के छोड़ दिया था बाहर, जिससे कि इसमें अच्छे से धूप लग जाए। फिर वापस इसे ग्रो बैग में मैंने डाल दिया है और अब इसमें मैं ये भिंडी के पौधे लगाने वाली हूँ। ओकरा लगाने के लिए देखिए, ऐसे आप डायरेक्ट अपने ग्रो बैग्स में लगा सकते हैं। जैसे टमाटर, बैगन, इन सब के पौधों के लिए हमें सैपलिंग्स प्रिपेयर करना पड़ता है, लेकिन इसे आप डायरेक्ट ऐसे, मैं 3 पौधे लगा रही हूँ एक ग्रो बैग में, तो इसके लिए मैंने थोड़ी थोड़ी दूरी पे देखिए थोड़े डीप से होल बना लिए हैं। बहुत ज़्यादा नहीं, आप आधा फिंगर जितना डीप बनाएं, उंगली से भी बना सकते हैं, आपके फिंगर से भी बन जाएगा। और आप इंस्ट्रूमेंट्स भी ले सकते हैं, अगर आप बागवानी का शौक रखेंगे तो इस तरह के टूल्स आते हैं, आप ऑनलाइन आराम से सर्च कर सकते हैं, उसकी हेल्प से भी बहुत आराम से ये प्रिपेयर हो जाता है। इसके बाद इसे हल्की सी सॉइल जैसे ढक दें। ये देखिए, मैं दूसरा भी बना के आपको दिखा रही हूँ। 2 ग्रो बैग में मैंने ऐसे 2-3 ग्रो बैग में लगाया है, तो मैं इसमें ऐसे प्रिपेयर कर लूँगी। दोस्तों, भिंडी के पौधे लगाने के लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट बात ये भी है कि आपको, आप सफिशियंट अमाउंट में अगर आप उसका वेजिटेबल चाहते हो जो आपके घर में एक मीटिंग बन सके, एक टाइम बन सके, तो आपको कम से कम 7-8 पौधे लगाने होंगे। क्योंकि ये भिंडी के पौधों में अगर आपको 1 या 2 भिंडी मिलती है तो उससे आपका पर्पस सॉल्व नहीं होगा। तो ये देखिए, मैंने ऐसे बीज डालने के बाद फिर उसमें थोड़ा सा मैं ऐसे पानी डाल दे रही हूँ ताकि ये जर्मिनेशन में अच्छा रहेगा और उसे हम बिल्कुल धूप में रहने देंगे। अब ये देखिए, छोटी छोटी सी सीडलिंग्स निकल आए हैं। अब ये देखिए, बीज से मेरे पत्ते निकलने शुरू हो गए हैं। अब ये जो है, पौधे बड़े होने में ऑलमोस्ट आपको 1 से 2 मंथ लगेगा। आपके जब पौधे बड़े होंगे और प्रिपेयर होंगे, उतने में आपको कम से कम 1-1.5 महीना लगता है जबकि ये फ्रूट्स देना स्टार्ट करेंगे। तो ये देखिए, अभी पौधे मेरे बड़े हो रहे हैं, थोड़ी देखिए लीव्स और निकल आई हैं। ये मैं आपको, कम से कम 20 दिन हो गए हैं मेरे ये सीड्स को डाले हुए, तब का मैं आपको दिखा रही हूँ। और उसके बाद ये देखिए, पौधे अभी इतने बड़े हुए हैं। एक बार पौधे थोड़े और बड़े हो जाते हैं, अब ये देखिए 1 मंथ हो गया है, अब अच्छे से इनकी ग्रोथ शुरू हो गई है और अच्छे से ये ग्रो करना स्टार्ट कर दिए हैं। इस स्टेज पे आप इसमें वर्मी कॉम्पोस्ट या काउडंग मैन्योर जो होता है उसे ऐड कर सकते हैं, या किचन वेस्ट कॉम्पोस्ट अगर आपने बनाया हुआ है तो आप उसे भी अपने पौधों में डाल सकते हैं। ये देखिए दोस्तों, काफ़ी अच्छी ग्रोथ हो रही है। ये मेरा पौधा जो है 1.5 महीने का हो गया है, 1.5 मंथ्स हो गए हैं। अब इस स्टेज के बाद इसकी ग्रोथ काफ़ी तेज़ी से होती है, अब इसमें फ्लावर्स आने भी स्टार्ट हो जाते हैं बहुत जल्दी। और इसके बाद आपको मैं दिखाती हूँ, देखिए बड फॉर्मेशन भी स्टार्ट हो गया है। आपको मैं अभी दिखा रही हूँ, जगह जगह देखिए फ्लावर्स आना शुरू हो रहे हैं। और जैसे ही आपका फ्लावर आएगा, उसमें तुरंत भिंडी जो है आपकी तैयार हो जाती है जल्दी ही। भिंडी के पौधों में पॉलिनेशन आराम से हो जाता है अगर आपके गार्डन एरिया में पॉलिनेटर्स हैं ठीक ठाक, तो वहाँ पे आपको ये पॉलिनेशन की प्रॉब्लम नहीं आती, आपको हैंड पॉलिनेशन करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ती है। जैसे कि जनरली आपको लौकी में या फिर करेला वगैरह है, उसमें आपको हैंड पॉलिनेशन करना पड़ता है।
फ्रेंड्स, हैंड पॉलिनेशन कैसे करना होता है वो उसके लिए भी मैंने आपको लिंक दिया हुआ है, अगर आप चाहें तो वो वीडियो भी जाकर देख सकते हैं। तो ये देखिए दोस्तों, ये फ्लावर आना शुरू हो गया है, आप ये देख रहे हैं, और भी बर्ड्स लगी हुई हैं। तो इस स्टेज पे आप को जो है आराम से अपने पौधों को ग्रोथ होने देना है। थोड़ा बहुत फर्टिलाइज़र वगैरह आप चाहें तो ऐड कर सकते हैं, बाकी आपको कुछ खास केयर करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी इस स्टेज पे। ये देखिए इस तरह से एक भिंडी डेवलप हो रही है और बाकी सारे बहुत सारे बड फॉर्मेशन हो रखा है। दोस्तों, सॉयल कंपोजिशन में चूँकि मैंने आपको पहले ही मैं अभी बताया मैंने आपको, जैसा कि हर बार हम लोग जैसा सॉयल कंपोजिशन लेते हैं, वन पार्ट गार्डन सॉयल, वन पार्ट वर्मी कंपोस्ट, वन पार्ट काउडंग मैन्योर, तो ये भी इसमें भी मैंने इस्तेमाल किया है अपने भिंडी के पौधों में भी। और बस जब फ्लावरिंग स्टार्ट होती है तो उस समय एक बार हम काउडंग मैन्योर या वर्मी कंपोस्ट ऐड कर सकते हैं। और अगर आपने अच्छी पकी हुई गोबर की खाद पहले ही डाली है तो आप ऐड नहीं भी करेंगे तो भी आपके पौधे अच्छे से फ्लरिश करेंगे। ये देखिए काफ़ी सारी भिंडी लग गई है, बहुत आराम से बढ़िया ग्रोथ हो रहा है। तो देखा दोस्तों आपने, बहुत इजीली आप देख रहे हो इसमें भी लग गया। तो ये भी मेरे देखिए, मैंने सारे पौधे ऑलमोस्ट प्रिपेयर हैं, सब में फ्लावर आ रहा है। तो इट्स वेरी इजी टू ग्रो ओकरा इन योर टेरेस गार्डन और इन योर बालकनी। तो आप देख रहे हो फ्रेश वेजिटेबल्स आप खुद के लिए आराम से ग्रो कर सकते हो, इट इज़ वेरी सिंपल एंड वेरी इजी। और आप चाहें तो इनमें से एक दो भिंडी को आप ऐसे छोड़ देंगे तो वो मैच्योर हो जाएगा और नेक्स्ट सीजन में आपको सीड प्रोड्यूस करेगा, उसके बाद आपको सीड शॉप से लेने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो चलिए दोस्तों, उम्मीद करती हूँ कि मेरा आज का ये वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा, और अगर आप लोगों को पसंद आया हो तो इसे लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें, और कमेंट सेक्शन में मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए कि आपको ये कैसा लगा।